वेलकम बैक टू माय चैनल। हजारों साल के बाद आखिरकार मेरा वाईफाई आ चुका है वापस से। ये वरना अभी रात के आप देख सकते हैं 7:34 ट्यूजडे 28 मार्च। ये सुबह के सेवन नहीं, रात शाम के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसे। बाहर एकदम अंधेरा छाया हुआ है यार गाइस। कुछ अभी थोड़ा ही अभी दिन के 2-3-4 बजे के आसपास ही मेरा वाईफाई आ गया था। हाँ वाईफाई वाले भैया आए थे, उन्होंने ठीक कर दिया था, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे 7 बजे रिकॉर्ड करता हूँ। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे यूट्यूब में जाऊँगा, एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे आके वीडियोज़ में सबसे पहले तो गाइस गुजारिश आपसे, 7 सब्सक्राइबर्स है, 7 वीडियोज है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे ये विनती है मेरी गाइस, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही धा सीधा, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही खतरनाक वाले कंटेंट जो आपको पसंद आए वो मैं यहाँ पर डालता रहूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे को, ताकि आप ऐसे कंटेंट्स देख सकें। साथ में आप मेरी वीडियोस को भी देख करो। अगर आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आती तो उस वीडियो को मत देखो, आप बाकी की आने वाली वीडियो देखो, मज़ा आएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और पर मैं तब भी आपको थैंक यू कहना चाहूँगा यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप इतना सपोर्ट भी नहीं करते ना, मेरा चैनल गया ही था गाइस। खैर वो सब छोड़ो, सब्सक्राइब करना गाइस प्लीज़। अभी अब कह रहा हूँ मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो 2 महीने पहले आपने देखा था मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो है ये, मेरी सेकंड सबसे पुरानी वीडियो है ये और सबसे पॉपुलर है इस वक्त चैनल पे। किसी भी वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं है जो कि जितने इसमें है। हाँ इसमें है भले ही, क्योंकि एक अलग कॉन्टेंट है। खैर वो सब छोड़ो गाइस, 2 मंथ्स पहले ये सैंड ट्रैप मैंने आपको बनाना सिखा था। इसी में मैंने आपको कहा था इन फ्यूचर आने वाली किसी भी वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू मेक पर्ल चेम्बर। ये आपको किसी भी यूट्यूबर किसी भी तो नहीं, पर यार मैं सर ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, पहले मैंने ड्रीम की वीडियो से सीखा ये सब कुछ की कैसे कर, मतलब पहले देखा था उस टाइम पे मैं बस वीडियोस देखता रहा माइनक्राफ्ट की। पर उसके बाद मैंने यस मल्टीप्लाई को देखा, माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ी, तब मैंने माइनक्राफ्ट खेलना शुरू किया और ऐसे ऐसे सब सीखा कि क्या होता है क्या। तो और मेरे को 2-3 साल हो चुके हैं माइनक्राफ्ट को खेलते हुए, एक्चुअली में मजाक ले रहा हूँ, 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। इनफैक्ट 2-3 साल क्या, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है गाइस मेरे को, मतलब 3-4-5 साल हो गए माइनक्राफ्ट। पहले पॉकेट एडिशन खेलता था उसके बाद। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पर्ल चेम्बर कैसे बनाते हैं। आपने अभी ही टाइटल पढ़ लिया होगा, मैं आपको सिखाऊंगा अभी। यस मार्टी पाई ने भी अपनी एक वीडियो में बनाया था। हाँ तो वह सबसे पहले मैं अपने वर्ल्ड में आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया है गाइस, इसे आपको मैं दिखाता हूँ। ये बनाया हमने ये। तो अभी हम एक और जगह पे इसे बना लेते हैं गाइस। मैंने यहाँ पे अभी बनाया, तो वैसे सिंपल होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहूँगा पर होता है। तो अभी यहाँ पे आपको पहले गड्ढा खोल लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे खोद के डर्ट लगा दीजिए ताकि आप कैल्प प्लेस कर सकें, क्योंकि हमें अभी उस सोल सैंड वाली जो लिफ्ट होती है ना वो बना लेंगे हमें अभी। तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे और ये कैल्प ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है गाइस। इस समय मेरा गला भी बैठना गाइस, तो ये कैल्प को हम तोड़ देंगे आप इसे कलेक्ट। तो इस ब्लॉक को तोड़ के आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे सोल सैंड, जिससे आप ये लिफ्ट काम करने लग करेंगे। अब सिंपल है, यहाँ पे एक डर्ट ब्लॉक प्लेस करेंगे और एक ट्रैप डोर जो कि ऐसे जो कि काम करता है, ठीक है काम करता है ना गाइस ये। तो अब आपको नीचे सिंपल सी चीज़ है,
आपको एंटर पर्ल मारना है पर्ल चेंबर के लिए। मार दीजिए ऐसे, ये ऊपर आ जाएगा आपका, ये ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोदा वड्ढा, वैसे हो तो जाता है पर कोई आती, गहरा गड्ढा खोदना। उसके बाद अब आपने यहाँ पे पर्ल लगा दी, और मेन चीज़ ये है ये डिस्पॉन तक नहीं होने वाले। मैंने स्मार्टीफाई एक वीडियो देखी थी हीरो ब्राइन एसल्ट की, उसमें उन्होंने कहा था 10 साल तक ये ऐसे ही रहेगा, 10 साल तक सोचो। और आपको तो थोड़ी थोड़ी देर का ही काम होगा इसका। हाँ अब मान लो जैसे कि इसे एक्टिव करने के लिए, रुको गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से रेड स्टोन लेंगे, ये दो, ये और ये। देखा अभी काम करिए, इनफैक्ट रुको गाइस अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अभी मेरा पर्ल ऊपर आ चुका है, अभी मैं जैसे थोड़ा सा दूर जाने वाला हूँ उसका रेड स्टोन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे को ट्रैप डोर को एक्टिवेट करना है, इसलिए मैं ये रेड स्टोन का कनेक्शन ला रहा हूँ। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है, बाकी अगर आप मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तो आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो भाई ऐसा कर देना, वो एक्टिव कर देंगे। ए आप अपने दोस्तों को भी सिखा दें ऐसे, ए ए आपके दोस्तों के भी और आपके भी काम आ सकते, दोनों के काम आएगा भाई। फ़ायदेमंद चीज़ें सीखे इसे। और अभी मैंने देखा भाई, अभी मैंने नोटिस किया उसको उठा लगा दो, लीवर का कनेक्शन वहाँ से जाना होगा, ठीक है। तो अब जैसे देखो मैं उस ट्रैप डोर से इतना दूर हूँ, कनेक्शन गया, अभी देखो ऐसे गया। अब जैसे मैं इसे नीचे फ्लिक करूंगा आप करिश्मा देख रहा, देखा पर्ल यहाँ पे डालता है, ये एक्टिवेट हो गया। बस इस ट्रैप डोर को नीचे करने की देरी है, आपका ये एक्टिव हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, जैसे कि मान लीजिएगा मैंने जितने SMPs में जितनी वीडियोज मैं देखता हूँ SMP की, उसमें यही देखता हूँ कि एक बंदा अगर उसके कुछ दोस्त है SMP पे जाए बंद ट्रैप कर देते हैं, और तो वो यही करता है, अपने एक पर्ल चेंबर बनाया होता है, अपने किसी फ्रेंड को बोल दे भाई जाके प्लीज़ एक्टिवेट कर दो और एस्केप हो जाएगा वही ना। इनफैक्ट मैं स्मार्टीफाई की वीडियो दिखाता हूँ आपको एक एक, मैं स्मार्टीफाई को नीचे क्रेडिट देखूँ दे दूँगा, कई बार पता चले कि मेरे को कॉपीराइट पड़ चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट सीजन एक पर्यटा गाइस। तो यहाँ पे मैंने हिमराण सीजन 3 देख लिया स्मार्टीफाई का, तो यहाँ पे ये वाली वीडियो जो अभी मेरे को रिसेंटली याद आई, ये वाली वीडियो गाइस टू इन वन में है, नींबू और जैस्मिन की खुशबू, सफाई के साथ फ्रेशनेस भी, व्हील टू इन वन। हे हाउ इज इट एवरीवन, माय नेम इज स्मार्टीफाई, बहुत ये है स्मार्टीफाई की वो वाली वीडियो। और अभी आप यहाँ पे एक मल्टीप्लाई ने यहाँ पे पर्ल बनाया तो था, एक मिनट मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस, आप जस्ट एक मिनट रुकिए। मल्टीप्लाई की एक वीडियो है पहला कि मुझे यहाँ पर एसजीओ की नई लोकेशन पीछे कैप्चर कर चुका, मींस किडनैप कर चुका हूँ। पर्ल चेंबर बनाया था यहाँ पे कहीं पे पर्ल चेंबर अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर जब मैं डे लाइट डिटेक्टर को नीचे लगाऊंगा, यार ये वाईफाई क्यों, इसको मुझे एक सेकंड के लिए तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को क्या करना है, एक ट्रैप डोर लेना है, और इस ट्रैप डोर को यहाँ पर खोल के रखना है। कर सकते हो जैसे ही रात होगी, आपको जैसे जाना कि रात होते में टेलीपोर्ट हो जाओ घर पर, पर्ल चेंबर बनाओ ऐसे। और अब यहाँ से मेरे को बस एक पर्ल को नीचे मारना है डायरेक्ट यहाँ से नीचे के लिए, और हमारी पर्ल यहाँ से आ जाएगी ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मल्टी पाए, यहाँ पे कहीं पे तो वॉइड ट्रैप हो जाए, आपको दिखाता हूँ बेटा। ये बंदा यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लगा मैं एक सेकंड में निकल,
चला जाएगा और आ जाओ फिर से मारने के। वाह बेटे वाह, क्या नामकरण किया उस बेचारे का। यस बॉय, बिकॉज़ इट इज आप देख लगी हुई है भाई। बाहर यहाँ पे रात होगी ना, अपने आप मेरा डे लाइट डिटेक्टर है ऑन कर देगा और मैं पॉल के पास टेलीपोर्ट कर जाऊंगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और मुर्गी यहीं पर अटकी रहेगी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने नेट का है भाई इसको यहाँ पे। जो पर्ल चेंबर स्मार्ट पेन ने डाला था उससे वो टीपी हो गए, तो यही चीज आप भी कर सकते हो। देखो मैं तो वीडियो बना रही हूँ इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा, आपको तो बस इंग्रेडिएंट लाना है, कुछ ऐसे बनाना है और पर्ल आपको कुछ ही सेकंड्स लगेंगे गाइस, कुछ ही सेकंड्स। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो, इतनी लंबी वीडियो बन गई, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मेरे को बताना कि आपको कौन से गेम के ऊपर अगला टॉपिक चाहिए, कौन से गेम के टॉपिक पर, कौन से गेम का टॉपिक चाहिए, मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर